छइहां भुयाला छोड़ जवैया ते थिराबे कहाँ रे, पंछी उड़ा थे आगास कर थे बिरचामा बास, धरती माए बिना दाना पानी पाबे कहाँ रे, ते थिराबे कहाँ रे, देख के तोला संगी मोला ऐसे का हो जाते रे, बोले मुले फूटे नहीं जिया घबरा तेरे, देख के तोला संगी मोला ऐसे का हो जाते रे। सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि क्या है मालूम, जब सतीश भैया की बात कर रहा हूँ, सतीश भैया तब कोई फिल्म में एक्टिंग नहीं किए थे, बाद में दो चार फिल्म में छोटा मोटा किए हैं। इस फिल्म को मैं जो स्क्रिप्ट बनाया उनको सुनाया, स्क्रिप्ट सुन के वो बोले मैं इस तेरे फिल्म में एक्टिंग करूँगा। उनको इतना अच्छा लगा स्क्रिप्ट, जैसे सुनील सोनी है, हर गाने में सुनील सोनी मैं खुद, बाकी मैं एक गाना भी उससे गवाया हूँ उस फिल्म में, लेकिन बहुत मतलब सालों से वही चल रहा है, सुनील सोनी सुन के सबका अच्छा गा रहा है, अच्छे पसंद करते लोग। लेकिन मैं ना हमेशा जैसे छैया भुइया में जो टूरी आइसक्रीम खा के फरार होगी, पहला छत्तीसगढ़ी गाने को वेस्टर्नाइज मैंने किया। हमर भतारी भाखा छत्तीसगढ़ी के आप मन के अपन चैनल जय जोहार के विशेष कार्यक्रम जोहार पहुना माँ, आप जम्मू संगवारी मल्ल चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार। और संगवारी हो, हमर चैनल में लगातार पहुना आवत रथे, और उही पहुना के जोन आए के क्रम में आज हमर बीच हमर पहुना है पहली छत्तीसगढ़ी रंगीन फिल्म के संगीतकार बाबला बापची जी, जिन बम्बई में घलो अपन काम करे हैं, छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में भी अपन पहचान बनाए हैं। वो बाबला बापची जी से हमन अभी लंबा चौड़ा बात करबुन। फिर सबले पहले आपके हमारे ये कार्यक्रम में हृदय अभिनंदन है, स्वागत है। जय जोहार दादा। आप मुझे एक बात बताओ, बचपन से ही आपला संगीत में रुचि है, थोड़ा से बचपन के पृष्ठभूमि में जाते हैं। एक्चुअली मैं हूँ पखांजूर करके एक जगह है, छोटे से शहर है एक, वहाँ से हूँ। एक्चुअली मेरा जन्म सब रायपुर में ही है, फिर कुछ पापा के नौकरी के लिए वहाँ चले गए थे ट्रांसफ़र होकर, फिर वहाँ से मुझे जो भी शिक्षा वगैरह से वहीं पे हुआ मेरा। उसके बाद भानपुर तापुर जहाँ पे सतीश जैन जी उनका गांव है, वहाँ मेरा कॉलेजिंग पूरा वहीं हुआ। उसके बाद एक्चुअली बचपन से मेरे को म्यूज़िक का शौक़ था, मैं अपने फैमिली में भी पापा बांसुरी बजाते थे, मेरे जो चाचा थे वो बहुत अच्छे नामी सिंगर थे लोकल, इसमें तो कहीं ना कहीं से खून में है वो चीज़ था। तो वैसे ही धीरे 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 मैं वहाँ एक ऑर्केस्ट्रा बनाया खुद से ही। जब मैं 8th में पढ़ता था उस समय से मैं डायरेक्शन करता हूँ ऑर्केस्ट्रा का, और मैं बचपन से सब कुछ बजा लेता हूँ, सब मतलब एवरी इंस्ट्रूमेंट, कभी कोई किसी से सीखा नहीं। अब ये पता मुझे पता नहीं कैसे बजाता हूँ, एक गॉड गिफ्टेड है, माँ की कृपा है। तो वैसे ही बढ़ता गया धीरे धीरे इंटरेस्ट म्यूज़िक की तरफ, और रुझान आता गया धीरे 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 धीरे, पढ़ाई के साथ साथ चलता रहा सारी चीज़ें। जब मैं कॉलेज में था उस समय बहुत सारे अवार्ड मैं ले चुका था, पूरे छत्तीसगढ़ में जो युवा फेस्टिवल होता है कॉलेज में, उसमें करीब करीब हर साल मुझे ही फर्स्ट प्राइज आता था मेरे गाने में, मेरे कंपोजिशन, मेरे लिखे हुए गाने। तो कहीं ना कहीं वहाँ से मेरे को कॉन्फिडेंस बिल्ड हुआ कि नहीं, कुछ तो है, कर सकता हूँ मैं। धीरे धीरे वो करते करते अचानक एक दिन मुझे मैसेज मिला कहीं से कि छइयां भुइयां जो फिल्म बन रही थी, एक कोई फिल्म बन रही है, उसमें तो नाम नहीं था, टाइटल नहीं आया था, तो सतीश जैन करके हैं वो फिल्म बना रहे हैं, तो मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि तू क्यों नहीं ट्राई करता, वेल विशेस थे मेरे वो, तो मैं बोला देखते हैं। क्योंकि हमारे जो पखान जो है वहाँ से 150 किलोमीटर के रेडियस में कोई टॉकीज नहीं है, ना थिएटर है, ना कुछ है, तो वहाँ बैठ के फिल्म का सपना देखना मतलब बहुत बड़ी बात होती है कि मैं फिल्म में म्यूज़िक दूंगा, म्यूज़िक डायरेक्टर बनूंगा। था तो बचपन से ही वही सपना वही था लेकिन वो हिम्मत करना कि वहाँ तक पहुँचने का, बॉम्बे तक पहुँचने का। तो मुझे जब पता लगा कि यहाँ पे आए हुए हैं वो, उनका
ऑडिशन चल रहा है, तो मैं भी आया, मैं देखते हैं किस्मत अजमा के। हालांकि उस समय रायपुर से, भिलाई से, जितने बड़े बड़े शहर हैं वहाँ से मंझे हुए सारे लोग थे, मैं बहुत ही नया था, मेरे लिए बहुत ही बड़ा चीज़ था। तो सारे लोग ऑडिशन चला, उसके बाद मैं था लास्ट में, सबसे लास्ट में। जब मेरे कॉम्पिटिशन उनको सुनाए, मेरे गाने सुनाए, मेरे लिखे हुए, मेरे सुर संगीत के किए हुए, मतलब कॉम्पिटिशन जैसे सुनाए उनको, उसके बाद वहीं पे मेरे को डन कर दिया सतीश जैन ने कि तू ही कर रहा है मेरी फिल्म को, डन, तू 2 दिन के अंदर मुंबई पहुँच। तो मेरे लिए तो बहुत बड़ा चीज़ था, बहुत बड़ा, कि मैं सोचा भी नहीं हूँ कि मैं वहाँ से आके यहाँ पे सबको पीछे करके मैं सिलेक्ट होऊंगा। ये कहीं ना कहीं ऊपर वाले की कर्म है, आप तो सबके प्यार है। तो वैसे शुरू हुआ जर्नी। फिर मैं वहाँ से जैसे आया, ट्रेन का टिकट नहीं था, लेकिन मेरे को जाना ही था, 2 दिन में कहाँ टिकट मिलेगा, मेरे को बस 2 दिन में पहुँचना है। मैं वैसे ही मेरे पास एक कीबोर्ड हुआ करता था यामा का, वो कीबोर्ड और एक मतलब रिदम तो चाहिए साथ में, उनको कुछ सुनाना है, तो एक ढोलक और एक कीबोर्ड लेके मैं जनरल में चढ़ गया, कैसे भी करके पहुंचा मुंबई में, मेरे को जाना ही है। वहाँ जाके फिर जब मैं बोला मैं आ रहा हूँ स्टेशन से, तो भैया खुद आए, सतीश जैन जी खुद आए स्टेशन में मेरे को लेने के लिए, मेरे को लेके घर पे गए। वहीं फिर चालू हुआ मेरा जर्नी, वहीं पे सिटिंग वगैरह चालू हुआ, गाने का डिस्कशन चालू हुआ, बस इस तरह से फिर आगे बड़ी बात है। छैया भुइयां में जो ना आप इतना बढ़िया म्यूजिक दे, सारा गाने के म्यूजिक डायरेक्टर आप हो, बैकग्राउंड म्यूजिक भी आप करे हो? नहीं, बैकग्राउंड किए मोंटी शर्मा, जो हम दिल दे चुके सनम, उसके बाद देवदास, उसके बाद जो रणवीर सिंह का जो पहली फिल्म है, रणवीर कपूर का क्या फिल्म था वो, सावरिया, सावरिया का म्यूजिक डायरेक्टर है वो मोंटी शर्मा, उन्होंने इसका बैकग्राउंड किया था। लक्ष्मण मस्तूरिया जी के बहुत बढ़िया गीत है, और वो गीत टाइटल सॉन्ग बनी सब आज, तो वो एक तरह से माटी महतारी के लिए बहुत बेहतरीन गीत है वो समय जो आप कर रहे हो। तो मस्तूरिया जी के साथ, लक्ष्मण मस्तूरिया जी के साथ, जिन अमर छत्तीसगढ़ के अमर गीतकार है जी, अमर गायक है जी, बहुत बड़े और बहुत तो बड़े नाम है मस्तूरिया जी के, उन तो स्वर्गीय हो गए, लेकिन तब भी आज भी हमेशा उखर जो लिखे आखर है जो आपके धुन के साथ मिले हबे, वो सुरता हमल आते और हमेशा ही काल जई गीत है, ओकर बारे में थोड़ा बताते हो कि मस्तूरिया जी के साथ आपके कान भरी से। मस्तूरिया जी के बारे में मैं बहुत सुना था, उनके गाने सुनते थे बचपन से, उनके नाम सुनता था, तो मेरे लिए उनसे मिलना भी बहुत बड़ी बात थी। तो जब सतीश जी ने बोले कि उनसे गाना लिखवाना है, तो मैं तो बहुत खुश हो गया कि मैं उनके गाने पे, उनके लिखे हुए गाने में मेरा धुन बनेगा, मैं बना, मेरा सौभाग्य मिलेगा, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो मिले, फिर हम लोग, मेरे को, मुझे लेके आए सतीश भैया यहाँ पे, राजकुमार कॉलेज में रहते थे उस समय, वो वहाँ के मिले, डिस्कशन हुआ किस टाइप से गाना है, किस टाइप, भैया बोला ऐसा ऐसा सिचुएशन है, ऐसा चाहिए गाना। तो उनका एक एथिक चलता है कि बहुत बड़े साहित्यकार हैं, मुझे ये नहीं करना है, मुझे वो नहीं करना है, मुझे कुछ ये सब नहीं लिखना है, ऐसा ऐसा। तो बोले नहीं, आप फिर सीधा ही लिखिए आप, मतलब ये जो वैल्यू चाहिए मुझे, वो कोई और नहीं दे सकता भैया, बोले उनको, आप ही दे सकते हो। तो मुझे इसीलिए अब लिखे भी वैसे, अब देख रहे हो कैसा गाने हैं, उनका शब्द कैसे हैं। तो मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था एक, क्योंकि उनके गाने में म्यूज़िक बनाना और लोगों को पसंद आना। तो गाना में म्यूज़िक बनाए आप? हाँ, म्यूज़िक में गाना नहीं लिखा है? नहीं, उनके गाने में म्यूज़िक बनाए। अच्छा, पहले आपने आप लिखवाए और बाद में ट्यून करे? उनको वो चीज़ बोलना भी बहुत बड़ी बात है कि मैं बनाया हूँ, आप उस पर लिखो, ये भी बहुत बड़ी बात होती थी उस समय। अब जानते हो कितने बड़े, मतलब उनके बारे में कुछ बोलना भी मेरे औकात नहीं है मुझे कि मैं कुछ बोलूं। तो ऐसी बनी फिर टाइटल सॉन्ग, तो मतलब वो कालजयी गाना है, बहुत बढ़िया रही से। और छैया भुइयां के बाद तो फिर आप बम्बई गए हो, बम्बई में लगातार काम कर रहे हो, फिर छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में भी बहुत अगर काम करे हो, अभी भी आप छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में, आपके जो नवा पिक्चर आवा थे, वो नवा पिक्चर के बारे में हम जानना चाहबो।
मोर नवा पिक्चर उकर नाम है संगीरे लहुट के आजा। ये जो फिल्म है ये स्क्रिप्ट जब मोला मिली उस समय मुझे लगा कि छत्तीसगढ़ में इस टाइप की कहानी अभी तक आया नहीं है। और सतीश जैन जो मोर छैया मैया के डायरेक्टर है तो उनसे मैं काम सीखा हूँ। हम लोग एक ही साथ एक ही रूम शेयर किए 5 साल तक, सेम रूम सेम पलंग जब स्ट्रगल कर रहे थे वहाँ पे, तो बहुत कुछ सीखा उनसे। एक्चुअली जो डायरेक्शन है कैसे उनका मेन है स्क्रिप्ट का, डायरेक्शन का तो जो है लेकिन मेन उनका है, उनका जो मेन क्या बोलते हैं उसको जो पावर है वो है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट को कैसा लिखना चाहिए, कैसा उन पब्लिक क्या पसंद करती है, किस क्यों पसंद करती है, ये सब चीज़ हम लोग 5 साल तक डिस्कस किए, साथ में बैठ के सीखे उनसे। तो सारे चीज़ें मिला के मुझे लगा कि मुझे एक फिल्म बनानी चाहिए। तो सबसे बड़ी मेरी उपलब्धि क्या है मालूम, जब सतीश भैया की बात कर रहा हूँ, सतीश भैया तब कोई फिल्म में एक्टिंग नहीं किए थे, बाकी बाद में 2-4 फिल्म में छोटा मोटा किए हैं। इस फिल्म को मैं जो स्क्रिप्ट बनाया उनको सुनाया, स्क्रिप्ट सुन के वो बोले मैं इस तेरे फिल्म में एक्टिंग करूँगा। उनको इतना अच्छा लगा स्क्रिप्ट, बोले मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है भैया। तो उन्होंने बहुत अच्छा बहुत बड़ा रोल किया है उस फिल्म में, खुद से ही बोले, तो मेरे लिए बहुत बढ़िया उपलब्धि है। जिससे मैं काम सीखा वो खुद बोल रहे तेरे स्क्रिप्ट सुन के कि तेरे फिल्म में काम करूँगा, तो बहुत बड़ा चीज़ होता है वो। बहुत बढ़िया बढ़िया आप संस्मरण बतावा थो। बाबला बागची जी गीत संगीत और निर्देशन ये तीनों में लगातार काम करते। अभी चर्चा तक आगू बढ़बो, चर्चा बो फिर आप, मैं बंगाली आपके बहुत बढ़िया है, बंगाली सॉन्ग आप बहुत बढ़िया जानते हो, छत्तीसगढ़ी गीत तो हम सुनबो, एक आध बंगाली गाना आप सुना देते हो। ओके हाँ, मैं जब मुंबई में काम कर रहा था, छैया मैया का जो काम चल रहा था ये रिलीज हो गए, उसके बाद मुझे कुछ ऑफर आया वहाँ से कलकत्ता से बंगाली फिल्म का, उसी फिल्म का सुनाते हैं जो मैं रिलीज कर चुका हूँ। अच्छा, आपके गाना है, बिल्कुल स्वागत। मैं मेरे ही गाने सुनाता हूँ जो वहाँ पे कुमार शानू जी ने गाया है उसको। फिल्म का नाम है मेघ बृष्टि आलो। पूड़े जेते भालो लागे आगुने भरोसा सर्वनाशे हारिए जावा ए जे की निशा मनेरी भाषा ए भालो भाषा। वाह बढ़िया। छैया भुइया के गाना जिन आप बनाए हा वो भूल लगे हाँ सुना देते हो, और वो पहला छत्तीसगढ़ी जो पहला जो आप कर रहे हो पहला टाइटल सॉन्ग, तो बहुत महान गाना है, मस्तूरा जी ने लिखे हैं, मतलब मेरे लिए बहुत सौभाग्य भी है कि उस गाने में मेरा म्यूजिक है। छैया भुइया ला छोड़ जबैया ते तेरा बेकारे, छैया भुइया ला छोड़ जबैया ते थिरा बेकारे, पंछी उड़ा थे आगास कर थे बिरचाम बास, धरती माए बिना दाना पानी पाबे कहाँ रे, ते थी रावे कहाँ रे, छैया भुइया ला छोड़ जबैया ते थीरा बे कहाँ रे। दादा इतना सीरियस खबर हो आप? सीरियस हूँ मेरा कैरेक्टर ही थोड़ा है ऐसे कि मैं थोड़ा शांति रहता हूँ। बोला शुरू में बोला था ना आपको कि मेरा आवाज थोड़ा कम रहता है, थोड़ा देख लेना। अब हमार करेक्टर आवाज बढ़ाए कर अपन बढ़वा देते हैं। अलग अलग तो ऐसे ऐसे कोई क्षण जे मेरा बहुत ज्यादा हंसे हो?
बहुत ज़्यादा हंसा हूँ ये सुन, मतलब फिल्म से बोल रहे रिलेटेड कहीं से भी यार, कभी तो कोई बात हो। अब ये भी बोल सकता हूँ कि आज ही मैं सबसे ज़्यादा हंसा हूँ करके वो भी बोल सकते हो। एक्चुअली हमारे लाइफ, सबके लाइफ इतने बिजी हो गए, इतना वो ज़्यादा सब टेंशन में रहते कि हंसना तो बहुत कभी कभी मिलता है, बहुत खुल के हंसना। हाँ ये होता है कि अभी मैं पखंजूर गया था दो दिन पहले ही, जो पुराने दोस्त लोग जब मिलते हैं उसके बाद बहुत सारा बातें हुई। जब अभी फिर से जब रिलीज़ हुई फिल्म, फिर से हिट हो गया, सुपर हिट हो गया, तो पखंजूर गया था मैं दो दिन पहले, तो वहाँ बैठ के इतना मन खोल के सारे दोस्तों के साथ, सारे लोग का प्यार जब मिला, इतना प्यार करते हैं उन लोग वहाँ पे, तो वहाँ पे मिलने के बाद जो प्यार मिला उससे जो खुशी मिलती है, वो जो हंसी है, हंसी खुशी, वो सबसे बड़ी बात है। 24 साल पहले सुपरहिट म्यूजिक आप देव जी, 24 साल बाद भी आप सुपरहिट म्यूजिक देव, आप लोग बहुत बहुत बधाई है और खूब तरक्की करो। संगी रे तो आपके निर्देशन में पिक्चर आवत है, तो संगी रे के जो संगी रे लहूट के आ जा जो वो तो बड़े जन लिखा रही तू संगी रे, संगी रे फिर एक दूसरा फिल्म है संगी रे, अच्छा लहूट के आ जा, लहूट का जो संगी रे लहूट के आ जा के म्यूजिक पार्ट में आप ऐसे का जिन इसके आप ध्यान रखे हो? वो एक्चुअली पूरा म्यूजिकल ही फिल्म है। अच्छा म्यूजिक के ऊपर है पूरा, हूँ मैं म्यूजिक डायरेक्टर, तो मैं फिल्म बनाया तो कहीं ना कहीं दिमाग में वो म्यूजिकल चीज़ें रहती है, तो पूरा फिल्म म्यूजिकल ही फिल्म है, म्यूजिकल रोमांटिक फिल्म है और पारिवारिक फिल्म है। मतलब उसको ध्यान एक्चुअली जो मैं नया कुछ किया हूँ इस वहाँ पे, ये बोल सकते हो आप, जैसे सुनील सोनी है, हर गाने में सुनील सोनी मैं खुद, बाकी मैं एक गाना भी उससे गवाया हूँ उस फिल्म में, लेकिन बहुत मतलब सालों से वही चल रहा है, सुनील सोनी सुन के सबका अच्छा गा रहा है, अच्छे पसंद करते हैं लोग। लेकिन मैं ना हमेशा जैसे छैया भुइयां में जो टूरी आइसक्रीम खा के फरार होगी, पहला छत्तीसगढ़ी गाने को वेस्टर्नाइज मैंने किया, उससे पहले कोई वेस्टर्न गाना नहीं है, तब देखो छत्तीसगढ़ी गाना कोई भी नहीं है, पहला गाना मोर टूरी आइसक्रीम खा के फरार होगी वेस्टर्न गाना है, वेस्टर्नाइज किया पहली बार, तो ये भी नया चीज़ था, तो ये इसको लेके भी छत्तीसगढ़ से मेरा बहुत बहस हुआ, बहुत बार बहुत कुछ हुआ। तो बहस मतलब ऐसा कुछ नहीं है, वो बोले अरे यार कैसे चलेगा वहाँ, तो ओरिजिनल ये है ऐसे बनते हैं वहाँ पे, चार चार ट्रैक में बनती हैं ढोल तबला में हारमोनियम में, तो भैया मैं यही चीज़ बोला था, भैया जहाँ पे ये चीज़ नहीं है वहाँ पे अगर नया चीज़ दोगे आप तो लोगों क्या लगेगा, अरे ये क्या है, वो क्लिक करता है। तो वही मैं कहीं सोचा कि मैं सुनील सोनी का बहुत 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 हो गया, जो कोई नहीं सुना, तो एक अनुदीप करके सिंगर है साउथ का, बहुत बहुत अच्छा सिंगर, बहुत नामी सिंगर है, तो वो अनुदीप जो साउथ के सिंगर हैं, बहुत बड़ा सिंगर वहाँ के, तो उनको वहाँ बुला के मैं रिकॉर्डिंग किया उसको पूरा छत्तीसगढ़ी गाना, और इतना अच्छा गाया है वो, मतलब एक नया बहुत यूनिक फ्लेवर मिलेगा। मतलब आप ये बात में विश्वास रखते हो कि प्रोजेक्ट में सिंगर में बदलाव आना चाहिए, मूड के हिसाब से बदलाव आना, सिर्फ सिंगर नहीं, मतलब एक ही चीज़ होते जा रहा है वहाँ पे आप नया चीज़ दोगे ना तो वो क्लिक करता है। लेकिन अभी छत्तीसगढ़ में नवा चीज़ वो रूप में उभर के नहीं आवा थे ऐसे लगते हैं आपको कि वही जो पुराना जो हमार जो चला था वे पुराना वही चीज़ चला था, वही चल रहा है, तो नवा चीज़ ला पब्लिक हा धारण करे स्वीकार करे वो मामला में एज ए म्यूजिक डायरेक्टर आप कैसे ढंग से काम करना चाहते हो? देखिए ये जो एक तरीके से आप रिस्क बोल सकते हो, बहुत बड़ा रिस्क होता है कि हम फिल्म बना रहे हैं, पैसा खर्चा कर रहे हैं, लेकिन नया चीज़ कर रहे हैं, जो लोग देख रहे हैं हाँ ये तो चलेगा, वो ऐसे देखेंगे, लेकिन उसमें नयापन आना, नयापन लाना, मेरा कैरेक्टर भी वही ऐसी है, मैं हमेशा जैसे कुबेर गीत प्रिया जो माया का गाना लिखा है, मतलब छतीबा के मैगजिम गाने वो लिखा है, लीलाला टिपटॉप सब, उसको मैं गांव से लेके आया था, मेरे गांव के बखानजूर के बाजू में रहता था, उसको मैं लेके आया और सतीश भैया से मिलाया, मैं बोला भैया बहुत बढ़िया गाना लिखते इससे बनाओ, फिर वो चालू हो गया, क्योंकि वो नया था एकदम, मैं अपने इसमें गवाया लिखवाया, एक एल्बम किए थे हम लोग माया के बुखार, बहुत बड़ा एल्बम था उसके लिए उसको लिखवाया था, तो मैं देखा बहुत अच्छा लिखता है, तो उसको गाँव से लेके मैं यहाँ आया, तो वो यहाँ पर हिट हो गया, और ये संगी रे लौट के आ जा सारे गाने उसी के हैं लिखे हुए, तो जैसे आप बोल सकते हो तुलेंद्र पटेल,
जो अभी सबसे टॉप एडिटर है, उसको ही पहला काम मैंने करवाया। तो मैं हमेशा रिस्क लेता हूँ। किसमें? मैं हमें तुलेंद को नहीं, एडिटिंग किसमें? तुलेंद को एक बंगाली फिल्म किया था, मैं बोला ना उसमें एडिटिंग वो किया था, और उस समय वो एडिटिंग नहीं कर रहा था फिल्म का, तो वो घबरा रहा था कि भैया मेरे से नहीं होगा। मैं बोला कर तो तू कर लेगा, मैं कर रहा था तेरे से, आज देखो अब कहाँ पहुँच गया। तो वो रिस्क जो लेना वो मेरा आदत ही है, मेरे को अच्छा लगता है नए लोगों के साथ काम करना। मेरे इस फिल्म के जो हीरो है वो भी नहीं एकदम नया फ्रेश है। तो रिस्क नवा काम करे बार तो रिस्क ले लगते हो, लगातार आप रिस्क लेवत हो। देख के तोला संगी मोला ऐसे का हो जाते रे, थोड़ा सा सुनाते। अच्छा ठीक है, ओके। देख के तोला संगी मोला ऐसे का हो जाते रे, देख के तोला संगी मोला ऐसे का हो जाते रे। बोल मुले फूटे नहीं जिया घबराते रे, देख के तोला संगी मोला ऐसे का हो जाते रे। भाई वाह, एला भी मस्तूरिया जी लिखी जी, मस्तूरिया जी लिखा है, अश्वन मस्तूरिया जी के लिखे हैं, बहुत बढ़िया है। दादा आप मुझे बताओ, जीवन के सबसे अच्छा पल आप कौन से पल ला मानते हो? जीवन के सबसे अच्छा पल है जब आप खुश रहो अंदर से। अगर जीवन जीवन के लिए आप बोलोगे तो सबसे खुशी के पल जो होता है वो जब आप अंदर से खुश हो, कोई काम किए या अपने विश पूरा हुआ, उस समय जो खुशी मिलती है जो आप सबके साथ बांटते हो, वो सबसे खुशी का पल है मेरे हिसाब से। और सबसे खराब? सबसे खराब ये होता है, वो दौर से भी मैं गुजर चुका हूँ। मतलब एक्चुअली क्या है, जब छैयां मुहियां पहले निकली थी फर्स्ट फिल्म, उस समय मेरी उम्र कम था, 23-24 साल का था मैं, उतना समझ में नहीं आया कुछ भी, कैसा क्या करना है, करियर कैसा करना है, कुछ भी समझ नहीं था। तो उस समय मैं वहाँ स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, वहाँ पर फिल्में भी मिलने लग गई थी। हिंदी फिल्में किया मैंने, सुनो ससुर जी, अमीषा पटेल आफ्ताब, उसके बाद क्या, मैं ज्योति तू ज्वाला, देश में निकला हुआ चांद सीरियल था वो, ये सब करने लग गया। तो मैं वहीं स्ट्रगल करने लग गया। एक्चुअली मुझे होना था यहाँ, इतना बड़ा हेट देने के बाद, इतना बड़ा मतलब ब्लास्ट करने के बाद मुझे यहाँ होना था। तो कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी उसमें एंट्री हो गए, मतलब आप नहीं रहे हो, देखकर फायदा को नोल मिल गया और उठा लिया नुकसान। हाँ, नुकसान वो मैं समझ में नहीं आया। तो कहीं ना कहीं बहुत दुख हुआ मुझे कि जब इतना स्ट्रगल किया हमने कि छत्तीस भैया, मैं तो शुरू से मतलब पहला टेक्नीशियन मैं हूँ, छैया भैया में जुड़ने वाला सबसे पहला टेक्नीशियन मैं हूँ। अनुज तो बहुत बाद में हम लोग सिलेक्ट किए उसको, और मतलब शुरू से लेके लास्ट तक पेटी उठाने तक मैं साथ में था। छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में संगीत के क्षेत्र में, वो मैं सुरुल बोले कि एक तरह के सब संगीत चला थे, नवा चीज़ डाइजेस्ट नहीं हो पावा थे या चल नहीं पावा थे, आप छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में एक प्रयोग के रूप में बहुत अच्छी चीज़ लाए, जैसे आप वेस्टर्न पैटर्न भी लेके आओ। आगू आप छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में संगीत के क्षेत्र में, गीत के क्षेत्र में आप का नवा करना चाहते हो? अभी जो फिल्म आ रही है संगीरे लौट के आजा, वो तो कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद एक फिल्म है, एक स्क्रिप्ट है, उसमें काम कर रहा हूँ। उसमें मैं ना दो तीन रीज़न को जोड़ के, मतलब छत्तीसगढ़ी तो रहेगा ही रहेगा ऑब्वियसली, दो तीन रीज़न को जोड़ के मैं एक गाना को कंपोज कर रहा हूँ, कोई नयापन में, मतलब नया यूनिक लगेगा उसके लिए। तो हो सकता है रिजेक्ट भी हो जाए, लेकिन मेरा है कि मैं रिस्क लेता हूँ, मुझे लगता है वो हिट होगा, वो नया चीज़ आएगा ना, तो वो एक यूनिक चीज़ है। आपके जब कोई गाना रिजेक्ट हो जाते हैं तो वो गाना ला आप किनारे रख देते हो कि ओकर ऊपर आशा बना कर रखते हो? नहीं नहीं, हर गाना, हर रचना, हर क्रिएटिव जो लोग होते हैं, जो कलाकार होते हैं, उनके हर रचना एक उनके बच्चे के जैसे होते हैं। मतलब मैं मेहनत करके बनाया उसको तो मेरे बच्चे जैसे ही हैं, वो कहीं ना कहीं वो तो रहता ही है स्टॉक में कि कहीं ना कहीं यूज़ होगा वो, और होता भी है बहुत सारे चीज़ों में, बहुत सारे फिल्मों में मैं ऐसा हुआ कि उस फिल्म में नहीं लगा, दूसरे प्रोड्यूसर को सुनाया, डायरेक्टर को, तो बोला अरे ये तो बढ़िया गाना है,
वो भी यूज़ हुआ, तो कहीं खाली जाता नहीं है बहुत। जैसे जैसे आपके कोई गाना ला रिजेक्ट कर देते तो आपला का अनुभव होते, निराश होते हो आप? जरूर। तो रिजेक्ट हो गया, वेठन करने लग जाए। इंसान हो तो कहीं ना कहीं तो लगी ना, दुख तो लगी। लेकिन फिर संभल जाता हूँ कि नहीं ठीक है, कहीं ना कहीं यूज़ कर बोला वो देख के, वो तो पता ही है इंसान है तो वो तो हो ही। तब और अब लंबा सफ़र हो गए संगीत के, आप अपन आपला कतका बड़े पावत हो ये इंडस्ट्री में, गीत के क्षेत्र में, संगीत के क्षेत्र में, अपन काम के रूप में आप कतका बड़े पात हो, एक लंबा सफ़र होते काम के? हाँ सफ़र बहुत लंबा हो गया, कम से कम 24-25 साल। जो चाहते रहे वो सक्सेस आप लोग मिली? देखिए नहीं, सक्सेस तो मिला नहीं उतना, मतलब जब सोचता हूँ वहाँ तक तो जा नहीं पाए तक, अभी बहुत दूर ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है, अभी सफ़र जारी है। वही बोला ना, बीच में जो गैप हो गया मेरा, जो मैं वहाँ काम करना शुरू कर दिया, कि हिंदी फिल्म में सबकी उम्मीद रहती है कि मैं और इससे अच्छा करूँ, मैं बॉलीवुड में काम करूँ, तो ऑलरेडी जैसे फिल्म रिलीज़ हुई तो मेरे को ऑफर आना चालू हो गया, तो मैं काम भी करना शुरू कर दिया, लेकिन मुझे यहाँ भी काम करना था। तो वो जो गैप आ गया उसमें एक जो मेरे को मिलना था यहाँ पे हाई, वहाँ तक नहीं पहुँच पाया। अभी फिर से पारी, सेकंड पारी शुरू कर रहे हैं। आप लोग के आशीर्वाद चाहिए, प्यार चाहिए, और मेरे ख्याल से अब मिल जाएगा। अभी तो आपके एक पिक्चर फिर रिलीज़ हुआ है जी, वही 24 साल बाद वाली बात है, तो एकर से काफ़ी संभावना आपके साथ जुड़े हवे। आप कतका सारा अभी प्रोजेक्ट, अब मतलब छत्तीसगढ़ी में कतक सारा प्रोजेक्ट कर रहे हो? छत्तीसगढ़ी में 4 प्रोजेक्ट है अभी, जो ऑफर आया मेरे पास। तो एक्चुअली मैं बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट करना भी नहीं चाहता। मैं सिलेक्टेड करना चाहूँ तो जो हिट हो, ऐसा नहीं आए वो जो भी आए करते जाए, ऐसा मैं करूँगा भी नहीं, मिलने से भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरा कुछ काम करने का स्टाइल है अलग, कि मैं मुझे जो चाहिए वो मुझे चाहिए, कंप्रोमाइज़ नहीं करता मैं। पारिश्रमिक के बारे में क्या सोचना है आपके? छत्तीसगढ़ी फिल्म इंडस्ट्री में एक संगीतकार ला, एक संगीतकार के ही हैसियत से मैं बात करूँ, काबर की आपके जो नवैया फिल्म है उकर तो डायरेक्टर भी आप हर हो, निर्माता भी आप हर हो, तो एक संगीतकार के हैसियत से व्यावसायिक जो संभावना है, व्यावसायिक रूप से कहाँ तक सफल है? देखिए डिपेंड करता है कि वो संगीतकार किस स्टेज पे है। जैसे अभी सुनील का चल रहा है, हर फिल्म में सुनील 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 सब गाने चल रहे हैं। तो अभी वो क्या कोट कर रहा है और मुझे आइडिया नहीं है। और क्या होना चाहिए यहाँ पे, एक्चुअली डेवलप्ड तो कोई इंडस्ट्री है नहीं अभी तक, कि उसको आप, कुछ लोग हैं जो पैसा कमा रहे हैं, जिस फिल्म हिट हो जाता है प्रोड्यूसर पैसा कमाते हैं, बाकी टेक्नीशियनों को कहाँ पैसा मिल रहा है अभी भी? जैसे मुंबई में हो गया, जब बॉलीवुड के कंपेयर करोगे अपनी गलत, जैसे कलकत्ता में आपका वो है बंगाली फिल्म है, वो बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, भोजपुरी में बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, वो डेवलप्ड हो चुका है इतने सालों से, और ये तो अभी शुरुआत है इनका, शुरुआत ही बोल सकते हैं अभी, मतलब वो चल ही रहा है अभी। मैं समझ गया, बड़ा मतलब, नहीं हुआ मतलब पारिश्रमिक जी, 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 कम में, हाँ। पारिश्रमिक कम है, हाँ। लेकिन मेरी गुजारिश है हर प्रोड्यूसर से, अगर ये मेरा पर्सनल है, मैं किसी को ये नहीं कर रहा हूँ, कि अगर आप कुछ पैसा कमा रहे हो तो भले पहले नहीं तो बाद में भी कुछ तो उनको, जो मेहनत किए साथ में उनको कुछ ना कुछ पारिश्रमिक देना चाहिए, ये मेरा पर्सनल व्यू है। बहुत बढ़िया दादा, आप हमारे सन सर लगा गुड बात करत हो। एक बंगाली गाना आपसे सुनना चाहो, और बंगाली। मेघेरी भरोसा एलो जे सरोसा, मयेर मनेर मयूर मेलेछे डाना, एमन समय चले जेओ ना, हो एमन समय चले जेओ ना, मेघेरी इशारा हावा दिशाहारा, मनेर मयूर मेलेछे डाना, एमन समय चले जेओ ना,
हो एमन समय चले जेओ ना। चलो बहुत बढ़िया है, आओ आप मन हमर मन संग जुड़े हो, हमारे ये शो में आए, जोहार पहुना में आयो, बहुत बढ़िया लागी आप हमर छत्तीसगढ़िया संगवारी मन ला, हमर दर्शक मन लगा गई हो। दर्शक मन ला ये बताता हूँ कि आप मन मोर गाना ला पसंद करो थो, मोला माया देवत हो, एक सती मैं बहुत बहुत आभारी हूँ आप मन के। और मोर नवा फिल्म जो आवत है संगीरे लहुट के आजा, ओला भी बहुत माया दुलार दे हूँ, ये मैं आशा करता हूँ आप मन से। और ऐसी आशीर्वाद और माया बना के रखबे मोर ऊपर, यही आशा करता हूँ। सवारी हो, अभी हमन गुड बात करें सुप्रसिद्ध संगीत निर्देशक बाबला बागची जी से। अवैया सोमा औ हमर मन के भेंट मुलाकात होही, तदेव अभिदा। आप जम्मू संगवारी मल्ला चंपेश्वर गोस्वामी के जय जोहार।